गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6 ऑफ क्वाड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 14 वाटर. एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इफ इट्स रेन हैविंग. देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उससे क्या चीज़ हो सकती है. ठीक है, और इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे अगर देखा जाए तो सब जगह पे एक जैसी बारिश नहीं होती है, ना ही एक ही टाइम पे बारिश होती है. ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ जगह पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगह पे बहुत ही कम होता है. ठीक है, और हम देख सकते हैं कि जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो किस तरह का सीन हमें देखने को मिल जाता है. इस तरह का सीन देखने को मिलता है जो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हम लोग मुंबई में देखते हैं. ठीक है, मुंबई में ये सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है. ठीक है, और इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेन ओकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. अब हमारे कंट्री की अगर बात करें तो ज़्यादातर बारिश जो है वो मानसून सीजन में आता है. ठीक है, और रेन्स ब्रिंग रिलीफ. अब देखा जाए तो एक तरह से बारिश जो है वो हमको राहत दिलाती है क्योंकि उससे पहले जो है समर सीज़न होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और सब जगह पे इतना गर्म हो चुका होता है कि लोगों को ठंडक चाहिए होती है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो लोगों को राहत मिलती है उससे. ठीक है, और इसके अलावा बारिश आता है तो उसके वजह से बहुत अनाज भी उगता है. ठीक है, और अनाज की फसल भी बहुत अच्छी होती है. ठीक है, हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में भी प्रॉब्लम. अब मगर ज़्यादा बारिश अगर आ जाती है तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वाटर साइकिल का दिया है कि किस तरह से पानी जो है वो वाटर वेपर फॉर्म में बदलता है. जैसे कुछ पानी जो है वो नदी या तालाब ये सब में से आता है. ठीक है, जो वाटर वेपर फॉर्म में बदलता है और उस प्रोसेस का नाम होता है एवापोरेशन प्रोसेस. और ट्री से भी जो है पानी वाटर वेपर फॉर्म में बदलता है, यानी जो पानी उनके लीव्स में स्टोर होता है वही चीज़ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उड़ जाता है. ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म में. ठीक है, और इससे ही अगर देखा जाए तो वाटर वेपर फॉर्म से फिर क्लाउड बनता है और फिर क्लाउड से जो है रेन बन के वापस ये जमीन पर आता है, और इसी चीज़ को वाटर साइकिल कहा जाता है. ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा अगर बारिश आती है तो उससे क्या चीज़ होती है, तो जो रिवर लेक पॉन्ड्स होते हैं उसके पानी का लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिसके वजह से आसपास के एरिया को फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसमें बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के बाद वो बहुत सारे जगह को कवर कर लेती है, यानी पानी जो है वो सब जगह पर फैल जाता है और उसके वजह से लोगों के खेत तबाह हो जाते हैं, जंगल तबाह हो जाते हैं, गांव तबाह हो जाते हैं और शहर भी तबाह हो जाता है. ठीक है, यानी सब पानी में डूब जाता है उसकी वजह से. और हमारे देश की अगर बात करें तो फ्लड ने, यानी हर साल अगर देखा जाए तो जहाँ पे भी बाढ़ आते हैं वहाँ पे अनाज का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत सारे जानवरों को भी जान जाती है, और इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की भी जान इसमें जाती है. ठीक है, और ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे. और अगर देखा जाए तो फ्लड के टाइम पे जो एनिमल पानी के आसपास होता है उसके वजह से भी वो तैर के आगे चले जाते हैं. ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो आगे बढ़ जाते हैं उसकी वजह से. ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल जो है वो फंस जाते हैं एरियाज़ में और उसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है. ठीक है, जैसे मतलब बाढ़ का पानी आता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो फंस जाते हैं पानी की वजह से, वो आगे जा नहीं पाते और जब वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता है तो वो पानी में डूब के मर जाते हैं. ठीक है, हम देख सकते हैं पानी जो है वो जानवरों को बहुत फ़र्क पहुँचाता है. ठीक है, जो ज़मीन पर रहते हैं उनको. ठीक है, वॉट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग डे लॉन्ग पीरियड. ठीक है, अब यहाँ पे जो 14.6 में पॉइंट लिखा है उसमें ये बोला गया है कि अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो क्या चीज़ हो सकती है. ठीक है, तो देखो हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि अगर बारिश ना हो तो क्या चीज़ हो सकती है. ठीक है, तो देखो ज़्यादातर अगर देखा जाए जो पानी वाटर वेपर फॉर्म में बदलता है और उससे क्लाउड बनता है वो ज़्यादातर दो मेथड से आता है, एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन. ठीक है, और जब तक बारिश नहीं होती उसके कारण क्या चीज़ होती है, तो जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से सूख जाती है और उसके वजह से जो है आसपास जो छोटे मोटे तालाब होते हैं या फिर कोई कुएं होते हैं वो भी पूरी तरह से सूख जाता है. ठीक है, और इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और इसके वजह से अकाल जैसी
सिचुएशन पड़ जाती है, ठीक है। और इसके वजह से क्या चीज़ होती है, तो खाने को कुछ नहीं मिलता है और ना ही जानवरों को चरने के लिए घास मिलेगी, क्योंकि पानी नहीं है तो क्या होगा, सारे पेड़ पौधे भी मर जाएंगे और उसके वजह से वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा और वो जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान वाला होगा, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट ओकेरिंग इन सम पार्ट ऑफ अवर कंट्री और द वर्ल्ड, आर यू एवर ऑफ द डिफिकल्टी फेस बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। अब देखो, ये तो हमने एनिमल के बारे में देख लिया, अब हमारे कंट्री में भी ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो सोचो वहाँ पे लोगों को कितनी मुश्किल पड़ती होगी, ठीक है। और वहाँ पे जानवर किस तरह से रहते होंगे और किस तरह से प्लांट्स भी वहाँ पे उगते होंगे, उसके बारे में हम सुनते रहते हैं और आए दिन जो है ये सब चीज़ें हम हमारे पेरेंट्स से सुनते हैं या तो पड़ोसी से सुनते हैं या तो न्यूज़पेपर मैगजीन या तो टीवी में ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत कम हुई और उसके वजह से अकाल पड़ गया और पानी की लोगों को कमी होने लगी, ठीक है। अब 17.7 में एक नया पॉइंट है जिसमें लिखा है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, यानी हम पानी किस तरह से बचा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इट्स फीड फॉर यूज ऑफ प्लांट्स एनिमल। अब देखा जाए तो बहुत ही कम पानी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से अगर देखा जाए तो वही पानी प्लांट्स भी यूज़ कर रहा है, ह्यूमन एनिमल भी ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो पानी यानी अर्थ में देखा जाए तो पानी की कमी तो नहीं है, मगर वो पानी ऐसा है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो ज़्यादातर हमको ओशन में देखने को मिलता है, ठीक है। और व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ट्रांसिकली एंड दिस कैन नॉट बी यूज एनीमोर, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पानी तो बहुत ही ज़्यादा अर्थ पे पाया जाता है, मगर उसमें से पानी बहुत ही कम ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो पानी यूज़ करने लायक है वो भी हम देख रहे हैं लगातार ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका डिमांड, पानी का डिमांड भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना पानी इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अगर शहर की तरफ की अगर बात करें तो जब पानी की कमी होती है तो लोग जो है लाइनों में लग के